वेलकम फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल इंडियन जीटेक पर आपका फिर से स्वागत है। साथियों, आज हम आपको जेबीटी एसटी ट्रांसफर से संबंधित बड़ी अपडेट लेकर आए हैं। दोस्तों, जेबीटी एसटी के टीचर्स के जो ट्रांसफर हैं उनका शेड्यूल जारी कर दिया गया है। कल से उनका ड्राइव शुरू हो जाएगा और उसके बारे में कुछ नए बदलाव किए गए हैं ट्रांसफर ड्राइव से संबंधित, तो आप देख सकते हैं। हम आपको एक एक करके बताएंगे और साथ में आपको जो नोटिफिकेशन जारी किया गया डिपार्टमेंट तरफ से वो भी आपको दिखाएंगे। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएँ ताकि इस तरह की अपडेट और जानकारी आपको तुरंत मिलती रहे। तो आप देख सकते हैं जेबीटी ट्रांसफर ड्राइव 2022 शिक्षा विभाग द्वारा जेबीटी अध्यापकों को ट्रांसफर शेड्यूल जारी कर दिया गया है। कल से ड्राइव शुरू होगा। नया शेड्यूल था जो नए शेड्यूल के बारे में आपको बता देते हैं। डेट वाइज स्टेशन और स्कूल भरना 15 जनवरी से 21 जनवरी तक होगा। उसके अस्थाई आवंटन 22 जनवरी से 24 जनवरी 2022 तक होंगे। अस्थाई आवंटन से छूट गए टीचर्स से दोबारा ऑप्शन भरवाना 25-26 जनवरी 2022 को होगा। फाइनल स्टेशन अलॉट करना 27 जनवरी से 28 जनवरी तक 2022 तक जो है फाइनल स्टेशन अलॉट किए जाएंगे। उसके बाद ट्रांसफर आदेश जारी होंगे आपके 29 जनवरी 2022 को। और उसके बाद आपको पॉइंट वाइज कोई इंपॉर्टेंट अपडेट बता देते हैं। सबसे पहले अपना सबसे सुविधाजनक स्कूल भरें और उसके बाद नज़दीक से दूर के क्रम में स्कूल भरें, ये आप सभी को पता है। दूसरा पॉइंट है फाइनल सबमिट करने से पहले अपने सभी भरी हुई च्वाइस अच्छे से जाँच लें। हालांकि एडिट का ऑप्शन दिया गया है लेकिन बहुत अधिक जरूरत होने पर ही इसका प्रयोग करें। तीसरा पॉइंट, आपकी जो MIS ID और पासवर्ड है किसी से भी शेयर ना करें। और चौथा पॉइंट आपका है फाइनल सबमिशन की बात ज़्यादा छेड़छाड़ ना करें, यानी कि फाइनल सबमिशन आप अगर कर देते हैं उसके बाद ज़्यादा छेड़छाड़ ना करें, इससे आपकी चॉइस एडिट मोड पर जा सकती है। अंतिम कुछ घंटों में बार बार लॉगिन से भी बचें। उसके बाद पांचवा पॉइंट आपका नॉन कन्फर्म चॉइस को कंसीडर नहीं किया जाएगा। जो नॉन कन्फर्म चॉइस है उसको कंसीडर नहीं किया जाएगा। उसके बाद सिक्स्थ पॉइंट आपका है जारी गाइडलाइंस का पॉइंट जी, टीचर्स कैन ऑप्ट स्कूल्स ऑफ ए जोन ऑफ देयर चॉइस अक्रॉस डिस्ट्रिक्ट, जिला कैडर होने के बाद लागू नहीं हो सकता। उसके बाद सातवां पॉइंट आपका पर्याप्त संख्या में क्रमानुसार अधिक से अधिक स्कूलों का चयन करें। आठवां पॉइंट आपका एनीवेयर से बचने के लिए जो अध्यापक अस्थायी आवंटन से छूट गए हैं उनको बची हुई सीटों में स्टेशन भरने का एक और मौका दिया जाएगा। इसके बाद एक और मौका मिलेगा। किसी भी समस्या है तो हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ के पदाधिकारियों को सुगम पोर्टल के अलावा MIS के हेल्प डेस्क नंबर आप दे रखे हैं, आप इस पर नंबर ले सकते हैं, इस पर संपर्क किया जा सकता है। उस बाद जो डिपार्टमेंटल हमारे पास रिवाइज नोटिस दिया गया है वो आप देख सकते हैं, यहाँ से आप इसको पॉज करके नोटिस को पढ़ सकते हैं। इसमें सभी की डेट्स दी हुई हैं, कब कौन कौन से डेट में क्या क्या काम करना है, उसके बाद कब स्टेशन अलॉट होंगे और कब आपकी रिन्यूइंग ज्वाइनिंग होगी और क्या क्या कंडीशंस और उसके बाद ये अप्लाई किए जाएंगे नॉर्म्स और कंडीशन होंगी, आप इसमें से देख सकते हैं। तो साथ ही ये थी आज की वीडियो।